मुकाबले तो यहाँ पे रोहित पांडे जी और अजीत शर्मा जी के बीच, और तीसरे मुकाबले में जो खड़े हैं अपने राजेश भाई, उनके बीच मेन मुकाबला। 12th क्लास फेल उसका भाई, वो मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर बन के मेडिकल स्टूडेंट को सर्टिफिकेट बांट रहा है। आपको लगता है कि वो इतना डेवलप कर सकता है कंट्री को? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार नीतीश का ही सरकार ही बनेगा। बिहार की सरकार नीतीश बाबू तो फेल हो गए, नीतीश बाबू का तो जाना तय है, हमें भी लगा। हम लोग तो चाहेंगे कि जिसकी भी सरकार बने वो इस बार काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सही टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आज हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं यहां पर लोगों के बीच, जनता के बीच, भागलपुर की जनता के बीच, और उनसे जानते हैं कि उनके मन में क्या है और वो क्या चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार बने। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम रत्न प्रकाश हुआ। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो जिसकी बनाएगी, लेकिन हम लोग के लिए विकास ही मुद्दा है। रोजगार जो सरकार हमें दे और जिसका हमें पसंद आए, जो रोजगार दे, जो विकास के लिए बात करे, जो जात पात से ऊपर उठ करके लोगों की भलाई की बात करे, सरकार उसी की बनेगी, हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। जी, तो मेन क्या लग रहा है, किन 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 प्रत्याशियों के बीच मेन मुकाबला है अभी? मेन मुकाबले तो यहाँ पे रोहित पांडे जी और अजीत शर्मा जी के बीच, और तीसरे मुकाबले में जो खड़े हैं अपने राजेश भाई, उनके बीच मेन मुकाबला है। बेहतर कौन है? बेहतर तो अभी तो कुछ बताना मुश्किल है, बट तीनों में कांटे की टक्कर है, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए बेहतर बताना मुश्किल है। जी, क्या लगता है कि अभी विकास हुआ है भागलपुर का? भागलपुर का थोड़ा बहुत तो विकास हुआ है, बट जो विकास और जगह का हुआ है उस मुकाबले भागलपुर बहुत पिछड़ा रह गया है, और इसको विकास के राह पे आगे बढ़ाना है, इसीलिए हमें युवा नेता के तौर पे हम युवा नेता को चूज करेंगे, और जो भागलपुर के विकास के लिए, भागलपुर के गली गली के विकास के लिए काम करेगा, हम उन्हीं को वोट देंगे। सर आपका नाम? राजेश मंडल। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, जिनकी भी हो, जो काम करे अच्छा, उनके लिए सरकार है। हम लोग तो फिर भी एक नाम जो बेहतर आपको लगता हो? हम लोग तो उसे राजेश वर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सर, कोई एक यहाँ का है, यहाँ भागलपुर का विकास हम लोग देखना चाहते हैं, वो काम भी करता है, अभी डिप्टी मेयर भी है, फिर भी काम अच्छा कर रहा है। जी, क्या लगता है कि यहां से उड़ान भर पाएंगे भागलपुर के लोग? देखिए, कोशिश तो हम लोग का पूरा समर्थन उनको है। भागलपुर से लोग उड़ान भर पाएंगे, यहाँ से प्लेन चल पाएगी? हाँ, एयरपोर्ट हाँ चढ़ना चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? देखिए मैडम, जिसकी भी सरकार बने, हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी आए सत्ता में वो काम करे, जो भी उम्मीदवार जीते हारे उससे मतलब, हम लोग चाहते हैं विकास के रूप में काम करे। और रही बात प्रत्याशियों के बीच में बहुत ज़्यादा टक्कर है, तीन नाम सबसे ज़्यादा ऊपर है, एक रोहित पांडे जी हैं, एक हमारे अजीत शर्मा जी हैं, एक हमारे अपने राजेश भाई हैं। तो जो भी आए, हम लोग चाहते हैं कि काम हो, विकास हो, और जहाँ तक विकास की बात रही भागलपुर की, अभी उच्च स्तरीय पर नहीं हुआ है, अभी बहुत पीछे है भागलपुर। इस बार वोट करने के आपके मुद्दे क्या होंगे, चुनावी मुद्दे पर आप वोट करेंगे? बेरोजगारी तो है ही, उसके बाद शहर का विकास, भागलपुर में जाम लगता है, भोलानाथ पुल है, बहुत सारा ऐसा, उसके बाद स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि कोविड में देखा गया है, तो ये सब मुद्दों पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो बिहार की बात करें तो कैसा लगता है कि किसकी सरकार बनेगी बिहार की बात करें? बिहार की सरकार नीतीश बाबू तो फेल हो गए हैं मैडम, नीतीश बाबू का तो जाना तय है, हमें भी लग रहा है। अब सरकार बीजेपी की बने या राजद की बने, हम लोग तो चाहेंगे कि जिसकी भी सरकार बने वो इस बार काम करें, मुद्दों पे काम करें, बेरोजगारी पे काम करें, और आपका विकास के रूप में जो भी दल आ गया है हमारा उसको पूरा समर्थन है। और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मन की राय क्या है। सर सबसे पहला सवाल, क्या लगता है किन लोगों, किन प्रत्याशियों के बीच टक्कर के मुकाबले हो रहे हैं? टक्कर अभी जो है रोहित पांडे जी और अजीत शर्मा के बीच में होगा टक्कर, लेकिन रोहित पांडे जी का ही वोट जो है राजेश वर्मा जी कुछ उसका वो करेंगे, और इसमें इस हिसाब से लगता है कि अजीत शर्मा जी। कौन बेहतर? बेहतर देखिए, बेहतर जो बेहतर काम करे वो बेहतर है। अभी तक में आपको क्या लग रहा है कौन बेहतर है, आपको क्या लग रहा है कि कौन विकास कर पाएगा? विकास के मुद्दे पर अगर आप कीजिए तो राजेश वर्मा अभी यंग हैं, वो कर सकते हैं विकास। यहाँ बार के आपके वोट करने के मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे इस बार? मुद्दा यही जो यहाँ का समस्या है, यही सब, और क्या मुद्दा? बिहार की बात करें तो बिहार में इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? तेजस्वी की सरकार आएगी। क्यों? क्योंकि इससे मतलब इस तंत्र से आदमी परेशान हो चुका है। तो इस तंत्र से परेशान हो चुका है,
तेजस्वी की सरकार यानी लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी, तो महागठबंधन की सरकार। जी जी बिल्कुल, तो लालू जी ने बिहार पर राज किया है, वो यहाँ के सीएम रह चुके हैं, लेकिन उनके राज को जंगल राज कहा जाता था। तो क्या लगता है कि तेजस्वी जी अपने पिता के नक्शे कदम पे चलेंगे या कुछ हट के विकास करने में अंतर होता है? अब उनका राज में क्या होता था उस समय का बात अलग है, अभी का बात अलग है। उस समय उतना शिक्षित आदमी नहीं था, जानता नहीं था कोई चीज़, तो अब तो उस... अगर शराबबंदी की बात करें तो क्या लगता है, शराबबंदी एक सही फैसला थी या गलत? दोनों तरह का, मतलब कि बंद भी है तो ठीक है, नहीं था बंद हुआ तो वो भी सही था, लेकिन उसको सही मायने में लागू नहीं किया गया। आज आप बताइए शराब कहाँ नहीं मिलता है, हर घर में मिलता है, यहाँ तक कि होम डिलीवरी भी होती है। नीतीश बाबू को ये पता होना चाहिए, आपने जो कदम उठाया, शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू हुआ ही नहीं। आप शराब को बोलिए कहाँ नहीं मिलता है, सब लोग जानते हैं, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को भी पता है कि भाई शराब कहाँ मिलती है, कैसे होम डिलीवरी, तो शराबबंदी का क्या फ़ायदा हुआ? मैडम कन्फर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन जिसकी भी सरकार आए, चाहे भाजपा की आए या राजद का आए, हम चाहेंगे कि सब मुद्दों पर काम हो, चाहे करप्शन के मामले में हो, शराबबंदी के मामले में हो, कानून व्यवस्था के मामले में हो, हम चाहते हैं कि सब चीज़ में नंबर वन आए बिहार। और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि इस बार किसकी सरकार आएगी और कौन बेहतर है, और भागलपुर में किन लोगों के बीच, किन प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम है चंकी पांडे, हम झारखंड से। हाँ, हम आए यहाँ पर तो देखें, बिहार वोट तो खैर हर मायने में हर मामले में मायने रखता है, पूरा भारत के लिए बिहार का वोट काफ़ी मायने रखता है, मगर हमको लग रहा है कि नीतीश का सरकार ही एक बार बनना चाहिए। पर क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि बिहार में प्रोग्रेस तो दिया है, हाँ, नीतीश सरकार आके प्रोग्रेस दिया है, लेकिन यहाँ भी लोगों का कहना है कि उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। शराबबंदी हुई लेकिन सिर्फ ऊपरी तरीके से हुई, नीचे जमीनी स्तर पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ, और फिर करप्शन भी बहुत बड़ा है। तो सर कोई ऐसी वजह? देखिए, कोई हर इंसान से कहीं ना कहीं चुक तो होती है, मानते हैं कि सरकार 100% नहीं कर पाई है, तो उसको एक बार और मौका देना चाहिए। एक आदमी को एक ही बार उम्मीद करिएगा पूरा पायदान चढ़ जाए तो नहीं, प्रोग्रेस तो हुआ। एक बार नहीं, तीन बार उन्हें मौका दिया गया, 15 साल से उनकी सरकार है। उनकी सरकार क्या कुछ, मतलब हर जगह कमजोर तो नहीं पड़ी, हर जगह तो काम ऐसा नहीं कि नाकामयाबी रही, कहीं ना कहीं उसमें खोट आया, कहीं ना कहीं आदमी गलती गिला सिकवा निकाला, उसको फिर मौका देना चाहिए, उसके पीछे भी फिर जाके घूर के देखिए। भागलपुर में सर, भागलपुर में कैसा जनप्रतिनिधि आपको चाहिए? भागलपुर ऐसा चाहिए जो कि भागलपुर का पर्सनली विकास करे। भागलपुर तो थोड़ा हमको लग रहा है सड़क मामले में थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, हर जगह गड्ढे वगैरह। एक नाम सर भागलपुर के लिए? देखिए, हम तो यहाँ के है ही नहीं, फिर भी रोहित पांडे का नाम सुन रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि हम तो और जगह पता किए लगा कि रोहित पांडे का पकड़ इस जगह मजबूत पकड़ पड़ रहा है, शायद हम उम्मीद करेंगे रोहित पांडे ही जीत जाए। आपका नाम? मेरा नाम अरविंद कुमार है। मेरा क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार नीतीश का ही सरकार ही बनेगा। क्यों? शराबबंदी की बात करें तो क्या लगता है ये फैसला कितना सही रहा या गलत रहा? पूरा सही रहा है फैसला, शराब बंद होना ही चाहिए था। सरकार तेजस्वी का बनेगा इस बार। क्यों? लग रहा है हम लोग तो देख रहे हैं इसी तरह। भागलपुर की बात करें तो क्या लगता है आपको, एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो भागलपुर की विकास कर सकेगा? तो अजीत शर्मा पहले से ही है और देख रहे हैं वो विकास ठीक ठाक कर रहा है। क्या विकास किया है सर? लोगों का, बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। नहीं, हम लोग तो देख रहे हैं कि हम लोगों एरिया में तो क्या है, सुर्खी कल सब ये सब में तो क्या है, काम करते रहा है, ठीक ठाक कर रहा है काम। सर आपका नाम? विजय कुमार शाह। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो थोड़ा से यानी समझ भी नहीं आ रहा है, मगर देखिए यानी मोदी जी का तो हो रहा है सब, तो मोदी जी का जय जय कर रहा है, मगर राजद भी है और ये भी है, LJP भी यानी है, चिराग पासवान भी है, मगर ये बार तो समझ में उतना नहीं आ रहा है। आपके मन में एक नाम जो बेहतर हो, जिसकी सरकार बननी चाहिए? तो हम लोग सोचते हैं मोदी जी का यानी ये बने, हाँ, यहाँ नीतीश कुमार, और क्या बोल सकते हैं जी। इन 15 सालों में नीतीश कुमार ने कुछ भी काम किया है? नहीं, तो काम तो किया ही है, बहुत काम किया है, मगर और सब सोचता है कि अब कुछ यानी हो, यानी और थोड़ा सा नया चेहरा यानी आए, कोई दूसरा बने, तो यही सब है। अब देखिए क्या है। शराबबंदी का फैसला कितना सही है आपके लिए या फिर कितना गलत है? अब क्या बता सकते हैं ऐसे, यानी नीतीश कुमार तो अच्छा है ही, और उसके बाद यानी अब शराबबंदी का फैसला कितना सही है? नहीं, शराबबंदी तो बहुत अच्छा है,
शराबबंदी हुआ है तो बहुत यानी जो असामाजिक तत्व का जो यानी इतना जो हो रहा है जो ये सब यानी जो पहले होता था गुंडागर्दी ये सब उससे बहुत यानी साफ सुथरा। एक मुद्दा जिसके मद्देनजर आप इस बार वोट करेंगे? एक मुद्दा जी तो हम तो मोदी जी का जो है नीतीश कुमार। हाँ, आपका नाम? अनुज कुमार। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, तो एक नाम जो आपको बेहतर लग रहा हो? तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि युवा है अभी, युवा तो और भी बहुत सारे नेता है अभी, ऐसा तो कोई नहीं है। कौन है आप ही बता दीजिए। मेरे बता दें से कुछ नहीं होगा ना, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? और भागलपुर में क्या लगता है कि भागलपुर में कौन सा जनप्रतिनिधि आएगा? अजीत शर्मा। तो और बात किया जाए, आपने तेजस्वी जी का नाम लिया, वो 15 साल पहले की बात करें अगर तो लालू जी उनके पिता यहाँ के सीएम रह चुके हैं बिहार के, तो उनके राज को जंगल राज कहा जाता, तो क्या लगता है वो अब उनके बेटे उनके कदम पे चलेंगे या फिर कुछ अलग हटके विकास करेंगे? अलग हटके करेंगे मैडम, यदि वो ऐसा किए तो फिर तो वो बोल ही रहे हैं कि यदि गलती की है पापा तो हम दोबारा ये चीज नहीं कर सकते। हाँ, तो तेजस्वी यादव का ही बनेगा, यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। भागलपुर विकास बहुत ज्यादा हो गए हैं 15 साल में, इसके बाद और होने जा रहे हैं। आपका नाम? बबलू कुमार। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी सरकार। भागलपुर की बात करें तो किनके मुकाबले अभी कड़ी टक्कर चल रही है? अभी टक्कर किसी में नहीं है, अजीत शर्मा के अगेंस्ट में कोई है ही नहीं। बहुत किसी का कहना है कि अजीत शर्मा 2 टर्म यहाँ विधायक रह चुके हैं 2 टर्म के लिए, लेकिन उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया है, तो उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल आपका कहना सही है और जो कहे है इस बात से भी हम सहमत हैं, मगर आप देख लीजिए ना कि जिस समय की सरकार इनकी बनी, ये जब सत्ता में थे सत्तारूढ़ के विधायक थे, उस समय कितना दिन रहे? 18 महीना। 18 महीने में जो भी प्रपोजल को उन्होंने तैयार किया, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया, उस चीज को फिर तो सरकार डबल इंजन की बन गई और उसके बाद तो 5 साल के रहे। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, उसी चीज को बता रहा हूँ कि जो सर जनता ने मैंडेट दिया था उस चीज को तो नीतीश कुमार ने धोखा देके बीजेपी के साथ मिल गया, तो जब तक सत्तारूढ़ नहीं रहेगा जो भी प्रपोजल सरकार का देगा सरकार उसके अगेंस्ट में ही काम करेगी, उस तरह से विकास नहीं हो पाया, बस रीजन यही था। आपका नाम? राकेश शर्मा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार उसी की आएगी जो काम करेगा बेस पे, जमीनी बेस पे कोई शिक्षा के प्रति तो कोई काम कर नहीं रहा। भागलपुर की बात करें अगर तो भागलपुर में किनके मुकाबले कड़ी टक्कर है अभी? कड़ी टक्कर देखा जाए तो कड़ी टक्कर एक तरफा वोट है किसके तरफ? कांग्रेस की तरफ। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बीजेपी लोजपा ये सारे आपस में लड़ेंगे, सबका वोट आपस में कटेगा और रियल में सब विकास की बात करते हैं, जमीनी बेस पे कोई शिक्षा का बात नहीं करता है। बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कुछ है तो शिक्षा का है, यहाँ पे एडुकेशन के नाम पे 0 है, पैसा खाने के स्कूल आप जाके देख लो या एडुकेशन टीचर को देख लो, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। जो भी आ रहे हैं नए नए नेता, ये सारे बैकग्राउंड इनका चेक कर लो, ये कहाँ से आते हैं क्या कर रहे हैं। कोई भी अपने ज़मीनी लेवल पर काम करना चाहता सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट का बेस बनेगा तभी वो नौकरी दे पाएंगे। आप स्टूडेंट पैदा कर दे रहे हो, स्टूडेंट कितने माने जो हैं जो आप कंप्लीट कर पाएंगे क्वेश्चन, उसको ध्यान रखना चाहिए। तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने कहा था कि वो 10 लाख उनकी सरकार आती है तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, क्या ये पॉसिबल हो पाए? ऐसे फैमिली के वो लड़के हैं जो वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि 10 लाख को रोजगार देंगे, 12th क्लास फेल उसका भाई वो मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर बन के मेडिकल स्टूडेंट को सर्टिफिकेट बांट रहा है, आपको लगता है कि वो इतना डेवलप कर सकता है कंट्री को? आप ऐसे जन को डेवलप करना चाह रहे हो जो ऑलरेडी जो जिसका खुद का एडुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, वो हमको बैकग्राउंड सिखाएगा, हमारे एडुकेशन को इम्प्रूव करेगा,